करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। सफेद फूल अर्पित करिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं होता। तो भगवान शिव नाक चप्पल में नहीं लगा देना, दे देंगे फिर से देंगे। वैसे रहने देना, हिलाना मत उसको, फिर नया पत्ता निकल आता है। पुराना पत्ता सूख जाएगा, फिर नया पत्ता। भगवान शिव और माँ पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा, साथ में श्रृंगार की सामग्री भेंट करिएगा। अगर भगवान शिव और माँ पार्वती को आप पीले वस्त्र अर्पित करती, श्रृंगार की सामग्री भेंट करती है तो बड़ा शुभ होगा। इससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। करियर समस्या आपकी हल होगी, करियर में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहता है। वाद विवाद से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, आगे थोड़ा कम रहेगा। कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और आगे का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहता है। शिव के मंदिर जाए, भगवान शिव के मंदिर पीले वस्त्र पहनकर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वहां जाकर के शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाए और भगवान शिव और माँ पार्वती से कृपा की प्रार्थना करें। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि जो भी श्रृंगार की सौंदर्य की सामग्री है, पहले वो माँ पार्वती को समर्पित करें और इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को सामानों को वस्तुओं को दे दीजिएगा और उनसे चरण छूकर के आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर विवाहिता महिलाएं हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय में करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। और सिलेक्ट पढ़ाते हैं और पढ़ने से जानना समझ लेती जिन तमाम जातकों का जन्मदिन है 19 अगस्त को, उनका पति कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। स्वास्थ्य मामलों में अभी भी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे।
पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। शादीशुदा महिलाओं को, विवाहिता महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का, जैसे काली बिंदी, काली चूड़ी, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, काला रंग जो है ये शोक का और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाओं को अगस्त 2023 दिन शनिवार शुभ पहर का समय है, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का एक दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन करेंगे हमने ये तो आपको बता दिया कि तीज के पर्व पर महिलाएं अपने शीघ्र विवाह का उपाय कर सकती हैं। तीज के पर्व पर पुरुष भी अपने शीघ्र विवाह का उपाय कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो हरियाली तीज पर क्या करें? ये उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय में, सूर्यास्त के आसपास के समय में करें। भगवान शिव को पीला और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। बाल में ये पीला और लाल वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर आप हरियाली तीज पर कर लेते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो पंडित जी, इस महापर्व, तो चलिए आज के इस खास मौके पर